हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। होपफुली एवरीवन इज गुड। देखो दशहरा और दिवाली के बीच में बहुत गैप है, तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप जाकर देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और अभी भी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट क्यों करना है, इतना गैप तो है, तो इसीलिए सोचा वीडियोज बना लेते हैं। खैर मेरी लाइफ में सेम थिंग रिपीट होती है, घर पे रहो या दुकान पे, तो कुछ मजेदार होने के चांसेस बहुत बहुत कम होते हैं। तो इसीलिए आज कोशिश करेंगे कि इस बोरिंग से लाइफ को कुछ इंटरेस्टिंग बनाने की। देखो सुबह उठने के बाद मैं रनिंग गया, घर आया, नहाया, पूजा किया और मंदिर भी चला गया, लेकिन इसके बीच में मैंने कुछ भी नहीं किया, मतलब कुछ भी नहीं बनाया। लेकिन मैं अभी बनाने जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट, तो अभी से वीडियो शुरू करते हैं। तो आज मैं बनाने जा रहा हूँ वाई वाई सूप नहीं होगा, बल्कि एक अच्छे से प्लेट में सजाने की कोशिश करेंगे। अगर सजा नहीं मतलब नाकामयाब रहा तो खा लेंगे, वैसे भी खाना ही तो है। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं टमाटर, गाजर है मतलब कैरोट, ऑनियन है, ठीक है, और बीट है, और जिंजर भी थोड़ा लगा देते हैं, लेकिन गार्लिक नहीं लगाना क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। एंड वी हैव वाई वाई, और इसके अंडर जो जो इन्ग्रीडियंट्स रहेगी वो सारी चीज़ें इन्ग्रीडियंट रहती है। तो फिर शुरू करते हैं। So finally guys, YY is ready. दिखने में बहुत बढ़िया दिख रहा है, और होपफुली ऐसा सजाना इस ठीक ठाक ही होगा। इसके ऊपर थोड़ा सा मैं कोरिएंडर लगा लेता हूँ, एंड देन मैं खाऊंगा पहले, उसके बाद पापा को भेजूंगा क्योंकि पापा दुकान पे है। अब हम दोनों सिरे पे, मम्मी गई है नेपाल, तो एक को तो दुकान पे रहना ही पड़ेगा, तो इसीलिए मैं पहले खा लेता हूँ, उसके बाद पापा को भेजूंगा। मैं अभी दुकान से घर जा रहा हूँ। एक्चुअली मैंने ये सब कोई प्लान किया नहीं था, मैंने स्क्रिप्ट में डाला ही नहीं था, लेकिन अभी मुझे मतलब चेंज करनी पड़ी इस पूरा स्क्रिप्ट, क्योंकि मुझे लगा था कि पापा घर में बैठेंगे, लेकिन नहीं, वो मुझे भेज रहे हैं। आज पहली बार घर में जाओ, मैं दुकान में बैठूंगा, ऐसा पापा ने बोला, तो मुझे पूरा प्लान चेंज करना पड़ रहा है। तो अभी हमने जिसमें खाया उसको वॉश करना है, एंड देन कपड़ा भी धोना है, बहुत सारे काम है, उसके बाद खाना भी बनाना है। तो फिर पहले ये सब कर लेता हूँ, उसके बाद क्या होता है देखता है, क्योंकि डेफिनेटली यार प्लान चेंज, तो फिर से प्लान करना पड़ेगा। चलो भाई मैंने सारा काम कर दिया है, कपड़ा धोना, बर्तन साफ करना और खाना भी बना लिया। अभी मैं थोड़ा सा मतलब टाइम है तो मैं थोड़ा सा हारमोनियम बजा लेता हूँ, यार मैं वोकल प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो थोड़ा कर लेते हैं, उसके बाद खाना खाने के बाद मैं दुकान जाऊँगा, दुकान में मिलते हैं। Hey guys, what's up? Welcome back again. देखो मैं दुकान पे बैठा हूँ और मैंने खाना खाने के बाद यहाँ पर आया था, एंड इट्स अबाउट 1 आवर हो चुके हैं मैं यहाँ पर बैठा हूँ। विद इन दैट 1 आवर मैंने गिटार बजाई, थोड़ी बहुत मूवीज देखी, यू नो, गेम्स खेले और इवन फ्रूट्स खाए। तो अभी आपको दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं क्योंकि धूप लगी हुई है और मतलब लोग भी बहुत कम है, कुछ इंटरेस्टिंग कुछ है ही नहीं यहाँ पर, तो सन्नाटा छाया हुआ है, बस यहाँ पर बैठो योनिंग करते रहो बस। तो फिर अभी पापा को आने देते, उसके बाद देखते क्या होता है। तो भाई सीन और सीनेरियो में फ़र्क होता है, होपफुली आपको भी पता होगा, अगर नहीं पता तो आपको बता दूं कि सीन का मतलब होता है, अगर आपने किसी चीज़ को देख लिया, यू नो, व्यू को देख लिया, अच्छी चीज़ें देख ली, तो उसको सीन बोलते हैं, और सीनेरियो मतलब एक सिचुएशन होता है, ठीक है, एक सर्कमस्टांसेस होता है। तो उसी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, मतलब आई एम नॉट अ टीचर हियर टू टीच यू, लेकिन ये जो सर्कमस्टांसेस है, जो सिचुएशन चल रहा है, वो आपको मैं बताऊँगा। पापा आए थे, आने के बाद मैं रनिंग गया, जाने के बाद मैं घर आया, घर आने के बाद नहा लिया, अभी मुझे लग रहा है एकदम फ्रेश हूँ, लेकिन नहा तो लिया लेकिन सुबह का जो टीका था वो अभी तक गया नहीं है। आई डोंट नो कैसे नहाया मैं, फिर भी थोड़ा बहुत फ्रेश हो गया हूँ मैं। तो अभी मैं रेस्ट कर रहा हूँ और साथ में मैं ले रहा हूँ ये, आपको दिखेगा नहीं शायद, थोड़ा पास ले दो, हाँ ये है एलो फ्रूट अनार फ्लेवर। तो मतलब अनार का टेस्ट तो ठीक है, लेकिन इसके अंदर एलोवेरा यूज़ किया है, तो यू नो मेडिसिन टाइप का टेस्ट आता है, लेकिन फिर भी चलेगा। पूरा बोतल मैंने ख़त्म कर दिया 3 दिन में, और साथ में मुझे गिटार भी बजानी है, गाना भी गाना है, क्योंकि डिमांड आई थी। अब ये डिमांड रियल डिमांड नहीं है, बस मैं एक्चुअली मैं नेपाली गाना गाता हूँ, तो मेरे दोस्तों ने बोला कि अगर तू हिंदी गाना गाएगा तब भी अच्छा रहेगा, तो एक बार हिंदी में ट्राई कर। तो आई
आई नेम्ड एज अ डिमांड. ओके, तो मुझे हिंदी गाना प्रैक्टिस भी करनी है, उसके बाद अपलोड भी करनी है. वैसे गिटार में बहुत सारी चीज़ें मैं सीख रहा हूँ. अभी फिलहाल मैं सीख रहा था भजन. भजन तो नहीं, एक्चुअली मैं स्तोत्रम दैट यू नो आईगिरी नंदिनी वो वाला सीख रहा था. मतलब दुकान में बैठने के बाद सीख रहा था. बहुत लाइक इट्स अबाउट टू डेज. कल से स्टार्ट किया था, कल से मैंने बस वो लिरिक्स याद करना शुरू किया है. फर्स्ट स्टैंजा याद हो चुका है और अभी सेकेंड स्टैंजा में जा रहा हूँ, लेकिन म्यूजिक भी दे रहा हूँ साथ में. तो उसको पहले बजाते हैं, उसके बाद हम गाना में जाएंगे. तो सुनिए यार, मतलब मिस्टेक हो गया तो माफ़ कर देना यार, मतलब यू नो जस्ट अ बिगिनर. गिरिवर बिंद शिरोधिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते भगवति हे सिति कंठ कुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते. बस इतना ही आता है. और हाँ, गाना में जा रहा था. गाना एक्चुअली में हिंदी सॉन्ग है जो मैंने दो तीन दोस्त ने डिमांड किया था. बस बोला था कि मैं एक्चुअली में नेपाली गाना गाता हूँ, तो उन्होंने बोला हिंदी गाना गाओ. गाना था जस्ट अगर तुम साथ हो. मुझे इजी लगा, इट इज़ इन हाई, लेकिन मैंने थोड़ा लो में गाया. तो आप थोड़ा देख लो, अगर अच्छा लगा तो ठीक है, अच्छा नहीं लगा तब भी कोई नहीं यार, कोई नहीं, लेकिन ट्राई कर रहा हूँ. तो वीडियोज़ कुछ ऐसी है, चलो शुरू करते हैं. ज़्यादा नहीं जाना है. होपफुली आपको अच्छा लगा हो. अच्छा नहीं लगा तब भी क्या कर सकते हैं यार, वोकली अच्छी नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ मैं. आई एम डूइंग माय वोकल क्लासेस. एक्चुअली बाहर नहीं जा रहा हूँ बल्कि घर में ही. हारमोनियम मेरे नेबर्स की थी तो उसी से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ. तो अभी बस वीडियो करते हैं एंड. ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है मुझे, जितना हो गया जो हो गया है. तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में. होपफुली अगली वीडियो सीधा दिवाली की होगी, अगर नहीं तो बीच में कर ही लेंगे. तो फिर मिलते हैं, टेक केयर एंड बी सेफ. बाय बाय.